हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि माइनिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट सेल्फ रिस्क्वेयर के बारे में जानेंगे, कौन कौन से टाइप के सेल्फ रिस्क्वेयर होते हैं और वर्तमान में किस टाइप का सेल्फ रिस्क्वेयर का प्रयोग किया जाता है माइंस में। आज के इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट डिटेल्स जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह है हमारा GT एग्जामिनेशन हैंड रिटन नोट्स सीरीज का यह है 17वां वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी इस सीरीज की और भी वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर हमारी और भी अदर्स वीडियो देख सकते हो। अगर आप माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां पर भी देख सकते हो। मैंने वहां पर कंप्लीट माइनिंग सरदार ओवरमैन हैंड रिटन नोट्स सीरीज एक्सप्लेन वाले वीडियो आपको प्रोवाइड करा हूँ। और फ्रेंड्स, इन नोट्स की PDF आपको चाहिए तो फ्रेंड्स आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमेशा की तरह देर न करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमने पिछला वीडियो में फ्लेम सेफ्टी लैंप्स से कम्प्लीट डिटेल्स और इसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन टॉप 50 क्वेश्चंस को जाना था। आज उसके आगे हम सेल्फ रिस्क्वेयर से स्टार्ट करते हैं, जो आपके आने वाले GT माइनिंग सरदार ओवरमैन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं सेल्फ रिस्क्वेयर के बारे में। फ्रेंड्स, ये पूछा जाता है, SCSR का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ये कई बार पूछा जा चुका है। SCSR मीन्स होता है सेल्फ कॉन्टेंट सेल्फ रिस्क्वेयर, ठीक है। नेक्स्ट MO30 सेल्फ कॉन्टेंट या सेल्फ जनरेटिंग पदार्थ होता है, इसमें सेल्फ जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेल्फ रिस्क्वेयर है फेंजी ऑक्सीमीटर बॉक्स के अंदर सेल्फ जनरेटिंग का पदार्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रक्षा कवच सेल्फ जनरेटिंग, जो वर्तमान में माइंसों में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल से जानेंगे, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो चलिए जानते हैं रक्षा कवच के बारे में डिटेल्स। सेल्फ रिस्क्वेयर यह सुपर्णा केमिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जाता है फ्रेंड्स, और इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट भी देखते हुए चलेंगे। फ्रेंड्स, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका वेट करने पर 2 kg होता है। नेक्स्ट इस्तेमाल के समय इसका वजन 1.1 kg होता है। नेक्स्ट ऑक्सीजन सप्लाई उपलब्धता तुरंत 3 बार श्वास छोड़ने के बाद होती है। नेक्स्ट इस्तेमाल काल अवधि न्यूनतम 35 लीटर प्रति मिनट में 30 मिनट तक होती है। नेक्स्ट ब्रीदिंग रेट 10 लीटर प्रति मिनट में 120 मिनट से 150 मिनट भी चल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है CO2 का प्रतिशत 35 लीटर प्रति मिनट की गति से श्वास ले रहे हैं तो उस समय CO2 1 से 1.5% से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट श्वास में ली जाने वाली हवा का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट ब्रीदिंग बैग की क्षमता 6 लीटर होती है। नेक्स्ट इस्तेमाल करते समय यूनिट के बाहरी सतह का तापमान जो है 160 डिग्री सेंटीग्रेड ओपन सर्किट में होता है। नेक्स्ट रक्षा कवच का सेल्फ लाइफ 10 वर्ष होता है। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोग करते समय इसका 5 वर्ष। नेक्स्ट यह क्लोज सर्किट सेल्फ रिस्क्वेयर होता है। नेक्स्ट KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड जो ऑक्सीजन बनाता है 500 ग्राम रहता है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट 1 kg KO2 240 मिलीलीटर ऑक्सीजन बनाता है। 1 kg KO2 240 मिलीलीटर ऑक्सीजन का निर्माण करता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट्स में देखिए, सेल्फ रिस्क्वेयर एक सुरक्षित एवं सुरक्षा रक्षा कवच सेल्फ रिस्क्वेयर एक सुरक्षित स्थान में रखना चाहिए जहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ना हो। रक्षा कवच के आसपास 1 मीटर के अंदर पर कोई भी गर्म उपकरण नहीं रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट रिफ्यूज चैम्बर किसी भी खान की दूरी अगर 30 मिनट से ज़्यादा है तो वहां उस खान में रिफ्यूज चैम्बर सेफ हेवन बना रहेगा, जिसमें SCSR
रक्षा कवच चेंज बदल कर आगे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रिफ्यूज चैम्बर क्या होता है अभी जाना हमने। चलिए नेक्स्ट, रक्षा कवच का जांच एवं रख रखाव करने का तरीका के बारे में जानते हैं। फर्स्ट, रोज देखकर सील दरार बेल्ट ठीक से फंसना चाहिए। नेक्स्ट, 3 माह में वैक्यूम क्रिएट करेंगे 20 mm 1 मिनट में। अगर ड्रॉप्ड 5 बार होता है तो ठीक है। नेक्स्ट, एक बैच का 1% लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेजेंगे। तो हमें सेल्फ रेस्क्यूर की जांच एवं रखरखाव में ये सभी पॉइंट को भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, रक्षा कवच सेल्फ रेस्क्यूर SCSR की टेस्टिंग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, सप्लाई के समय में 150 नग से 15 नग टेस्ट के लिए भेजेंगे। नेक्स्ट, 150 नग से अधिक हो जाता है तो 20 नग टेस्ट के लिए भेजेंगे पूरा एक बैच का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें से 50% SCSR को प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखेंगे और 50% लैब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, चलिए लैब टेस्ट पैरामीटर में क्या चेक किया जाता है। फर्स्ट, रैकेट टाइम कार अवधि 90% से कम नहीं होना चाहिए और श्वास में ऑक्सीजन की मात्रा 21% से कम नहीं होना चाहिए, परंतु पहले के 2 मिनट में 17% ऑक्सीजन हो सकता है। नेक्स्ट, CO2 की मात्रा 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, परंतु पहले 2 मिनट में 3% से अधिक CO2 की मात्रा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इनहेल श्वास लेते हैं का तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नोट में देखिए, एंजियोथर्मिक ग्रेडियंट के कारण तापमान बढ़ता है फ्रेंड्स, ये हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ब्रीदिंग बैग का रेजिस्टेंस 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए फर्स्ट डेली जांच में क्या देखेंगे, सेल्फ रेस्क्यूर में सील लीकेज इंडिकेटर देखना है, टेप लैंप बेल्ट हुक एवं कंटेनर की क्षति या पिचकने के संबंध से देखेंगे। नेक्स्ट, तिमाही जांच में देखते हैं कैसे की जाती है तिमाही जांच। तिमाही जांच में क्या चेक किया जाता है, लीकेज टाइटनेस लीकेज इंडिकेटर द्वारा 40 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी 5 मिनट तक डुबोकर रखेंगे, बुलबुले नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट, टेस्ट बॉक्स में SCSR को डालकर 20 mm का वैक्यूम क्रिएट करेंगे, 1 मिनट तक इसी प्रकार रखेंगे। अगर 5 mm से रीडिंग कम हुआ तो फेल माना जाएगा। नेक्स्ट टेस्टिंग है वार्षिक टेस्ट। वार्षिक टेस्ट में पूरे बैच का 2% लैब टेस्ट के लिए भेजेंगे। नोट में देखिए, यदि एक भी SCSR टेस्टिंग में फेल होता है तो पूरे बैच SCSR को तुरंत हटा दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रक्षा कवच सेल्फ रेस्क्यूर की खामियां क्या क्या होती है चलिए जानते हैं। फर्स्ट, लीकेज इंडिकेटर नहीं है इसमें, ये खामियां है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग करंट नहीं है। नेक्स्ट, आउटडेट बॉडी का तापमान अधिक हो जाता है। चलिए इंपॉर्टेंट नोट्स में देखिए फ्रेंड्स। फर्स्ट, DGMS के सर्कुलर के अनुसार 30 मिनट वाले सेल्फ रेस्क्यूर का वेट 2.5 केजी से ज़्यादा वेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, 30 मिनट से ज़्यादा वाले सेल्फ रेस्क्यूर का वेट 4 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, 5 डिग्री की खान में 3 साल में 1 बार सेल्फ रेस्क्यूर ले जाया जाता है। नेक्स्ट, 2nd डिग्री की खान में 2 साल में 1 बार। नेक्स्ट, 3rd डिग्री में तुरंत खान में सेल्फ रेस्क्यूर ले जाने के लिए बोलते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स पॉइंट, क्योंकि इसमें पूछा गया था सेल्फ रेस्क्यूर का प्रयोग इस माइंस में कब किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको मालूम होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट सेल्फ रेस्क्यूर के बारे में जाना, जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर यह आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो फ्रेंड्स इसे लाइक जरूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो जल्दी लाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।